हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10 से बिलोंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोडिंग समझ में नहीं आती है। एसक्यूएल की कोडिंग कैसे की जाए, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको भी दे दिया जाता है कि इस पर कोडिंग करके दिखाइए, हालांकि कोई बहुत बड़ा मैटर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। हालांकि इस पर वीडियोज मैंने पहले भी बनाई हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, क्रिएट पे आ जाइए। जैसे ही क्रिएट पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो आपको कहाँ जाना है, क्रिएट पे वापस चलना है। ये क्रिएट जो मेन्यू बार दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ आ जाइए क्वेरी डिजाइन पर। अब क्वेरी डिजाइन पे आने के बाद ये जो शो टेबल दिख रही है इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करेंगे तो आपको एसक्यूएल दिखाई पड़ेगा, बस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको बनाना है नया टेबल, तो टेबल बनाने के लिए जो कोड लिखा जाता है वो लिखा जाता है क्रिएट टेबल। तो आपको लिखना है क्रिएट गैप टेबल, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख दीजिए, टेबल का नाम दे दीजिए, जैसे मैं यहां पर कर देता हूं स्कूल, ठीक है। तो ये स्कूल टेबल का नाम मैंने दे दिया। यहां से स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करिएगा, ठीक है। और यहां पर अब आपको क्या क्या रखना है वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर हमें रखना है रोल नंबर, तो आप लिखिए रोल कुछ इस तरीके से और अंडरस्कोर लगा लीजिए और लिखिए नंबर, ठीक है। ये रोल नंबर लिखा, रोल नंबर डेटा टाइप कौन सा होगा, जो भी डेटा टाइप होगा वो यहां पे दे दीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने इंटीजर डेटा टाइप ले लिया, तो यहां पे दे दिया इंट, ठीक है। अब कॉमा लगाते हैं, अगर आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं प्राइमरी की, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है। ये लिख दिया कुछ इस तरीके से, तो ये प्राइमरी की भी बना दिया हमने। जैसे आप एक्सेस में प्राइमरी की बनाते हैं वैसे यहां पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। यहां पर अब स्टूडेंट का नेम देना है, तो यहां लिख देता हूं नेम और फिर लगाइए अंडरस्कोर और फिर ऑफ, फिर लगाइए अंडरस्कोर, फिर लगाइए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो अंडरस्कोर का बटन है ये आपको अल्फा न्यूमेरिक की जीरो जो होता है उसके ठीक बाद मिल जाएगा। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर बनेगा, विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो डैश लग जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कर दीजिए टेक्स्ट डेटा टाइप या वायर कैर भी लिख सकते हैं आप, तो यहां पर लिख देता हूं वायर कैर, ठीक है। आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे जा करके, और यहाँ पे जाइएगा तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप भी ले लेता है। तो यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, एंटर करके नीचे आइए। जैसे नीचे आएंगे तो अब हमें मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ देना है, और सवाल भी यही है कि स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ कर दीजिए डेट ऑफ बर्थ, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ गैप दीजिए, यहाँ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप, तो केवल डेट लिख दीजिए आप, और कोई कॉमा नहीं लगाना है आपको। बस आपको एंटर करके नीचे आना है और जो स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज कर दीजिए, बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखिए, इसमें हमने अंडरस्कोर नहीं दिया है, इसके वजह से ये दिक्कत आ गया। तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दीजिए आप, अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर लगा दिया, अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका काम हो गया स्कूल नाम से जो बनाया था। अब इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखिए रोल नंबर आ गया है, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया है। तो अब आप जो भी एग्जाम लेने वाले टीचर हैं उनको दिखा दीजिएगा इस तरह से करके, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत फिर भी आ रही हो आपको तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने रितेश, और इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे ये कैलेंडर टाइप का आ गया है। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ इनका जो भी हो चूज कर लीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, ये कर देता हूँ 2000, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। अगर आपको प्रैक्टिकल में और कोई दिक्कत आती हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने सूरज, और यहाँ पर आएगा इनका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए, ये जाइए यहाँ पर, और जो भी डेट ऑफ बर्थ हो मंथ भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से जाके चूज कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।